आर फॉर जी बोलो, आर फॉर रोबस्ट, क्या है रोबस्ट, यानी मजबूत। सुरक्षा रक्षा कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। रोबस्ट का मतलब मजबूत, सामने से अगर कोई दौड़ रहा है तो उसको पकड़ने के लिए हमारे पास ताकत होना चाहिए, रोबस्ट। 12 घंटे की हमारी ड्यूटी है तो हमको 12 घंटे डटे रहना है, यानी उसके लिए मजबूती हमारे में चाहिए। सुरक्षा रक्षक के पास क्या होना चाहिए? मजबूती। क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ, पावर, रोबस्ट, मजबूत। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? मजबूत। जितनी हमारी ड्यूटी है उतनी हमको मजबूत इसके साथ ड्यूटी करना चाहिए। सब जगह पे कैमरे लगे हुए, समझ रहे? तो आपको दिखता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, समझ गए? तो ये होना नहीं चाहिए। रोबस्ट यानी मजबूती के साथ हमको काम करना चाहिए, समझ रहे हैं? रोबस्ट का स्पेलिंग क्या है सर? रोबस्ट का मतलब मजबूत, आर ओ बी यू एस टी, रोबस्ट, समझ गए? आर के बाद क्या आता है? आई, आई फॉर इंटेलिजेंट, क्या है इंटेलिजेंट का मतलब? क्या है? होशियार, बुद्धिमान, बुद्धिमान। सुरक्षा रक्षा कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान, माइंडेड, अकल बड़ी की भैंस बड़ी, भैंस नहीं बड़ी, भैंस बड़ी है, भैंस क्या करती है? दूध देती है, तो भैंस भी बड़ी है, अकल भी बड़ी है, मगर कहाँ पे कौन सा काम करना चाहिए आपको पता चलना चाहिए। इंटेलिजेंट यानी दिमाग से काम करना होगा आपको, बुद्धिमान होना चाहिए, समझ गए? जहाँ पे अगर आप भैंस हो तो भैंस की तरह लड़ना नहीं चाहिए, दिमाग से काम करो। हर एक से झगड़ा हमको नहीं करना चाहिए, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर काम करना चाहिए, समझ गए? हमारा काम प्रॉपर नहीं होता इसके लिए हमको सुनना पड़ता है, कंप्लेन आती है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? बुद्धिमान। सुरक्षा रक्षक इंटेलिजेंट, बुद्धिमान का प्रयोग करके। अभी देखो कोई चेक नहीं कर रहा है, तो सर आपका नाम बताइए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर बताइए, आपका ऑफिस नंबर बताइए, फिर हम हमारे सुरक्षा रक्षक के सिक्योरिटी ऑफिसर है उनसे आपको बात करवा के आपका काम आसान कर देंगे, ठीक है? अगर कोई बोलता है ना तो उनसे, अगर सुरक्षा आप ये हो बुद्धिमान हो तो आप लिखोगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं ऐसा आता है वो आता है जा आता है, वो मतलब नहीं है रे, है कि नहीं? तो बुद्धिमान का काम क्या है? उसका डेटा लेना, डेटा का मतलब उनका डिटेल्स, उनका अगर डिटेल्स लेते हैं तो हम लोग बराबर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। उसके बाद में टी, टी फॉर ट्रेन, फॉर ट्रेन। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? ट्रेन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ट्रेन का मतलब एक्सपर्ट, ट्रेन का मतलब क्या है? एक्सपर्ट, ट्रेन का मतलब एक्सपर्ट, ट्रेंड, ट्रेन। सुरक्षा रक्षक बनने के लिए हमको 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेना चाहिए, तब जाके आप एक सुरक्षा रक्षक बनते हो। लेकिन कब बनते हो? एग्जाम पास होने के बाद। यहाँ पे हमने क्या किया है, यूनिफॉर्म पहन लिया और हम लोग काम पे लग गए, बराबर कि नहीं? हमको सारी जानकारी नहीं है, हम लोग ट्रेंड नहीं है, तो हमको ट्रेंड रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग अगर हमने नहीं ली तो हमें क्या करना चाहिए? कितना आप वक्त दोगे तब जाके 21 दिन और 8 घंटे ख़त्म हो जाएंगे? 21 दिन और 8 घंटा, 8 घंटा मतलब, 8 घंटा मतलब कितना मिनट? आठ घंटा मतलब एक घंटा यानी 60, 8 घंटा मतलब 8 6 48, 480 मिनट। तो 480 मिनट अगर आप दोगे तब जाके एक दिन आपका ट्रेनिंग के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे 480 मिनट कैसे करोगे? दिन भर में अगर आप कितना दोगे तो 480 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा आपने लिया यानी 30 मिनट,
तो 480 मिनट के लिए 30 दाए 300 आणि परत 180 हां मग किती झाले 30 + 180 हां म्हणजे किती झाले 16 बरोबर की नाही 3 दाए 300 मग 16 दिवस लगेगा अगर आप आधा घंटा अगर आप देते हो तो कितना 16 दिन में आपका एक दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट होगा अगर हाफ एन आवर देते हो तो समझ गए वो हिसाब से आपको ट्रेनिंग की जरूरत समझ गए उसके बाद में वाई फॉर यूजफुल क्या है सुरक्षा रक्षा कैसा होना चाहिए यूजफुल यानी यंग जवान सुरक्षा रक्षा कैसा होना चाहिए बूढ़ा भी हो गया तो भी डटे रहना चाहिए लेफ्ट राइट जिस तरह से मैं घूम रहा हूँ यहाँ से लेके वहाँ तक मैं दाएं देख रहा हूँ मैं बाएं देख रहा हूँ और आगे देख रहा हूँ फिर बाद में मैं टर्न लेता हूँ तो सीधा देखता हूँ लेफ्ट देखता हूँ राइट देखता हूँ और पीछे भी देखता हूँ तो इस तरह से मेरा क्या होना चाहिए ड्यूटी होना चाहिए समझ गए सब लोग वाई फॉर यूथफुल जवान की तरह हमको क्या करना है ड्यूटी करना चाहिए समझ गए yes, तो उड़ सूट क्या है उड़ सूट पोच छोड़ के निकल पड़ते और रहेंगे पोच पे कोई नहीं रहता है तो फेरी मारो नहीं तो नीचे झुक के वो साफ सफाई हाँ और बोलो कि मैं साफ सफाई कर रहा था फिर मैं आग बंद करके क्या ध्यान कर रहा था ऐसे सवाल के जवाब नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें देखने वाला कौन है आपको सुपरवाइजर के सामने लुढ़क जाते हो तो ये होना नहीं चाहिए आपको एक सुरक्षा रक्षक बनने के लिए एक क्या होना चाहिए आपके पास मजबूत रोबस्ट ठीक है समझ में आया सबको यस सर अभी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में क्या मिला जानकारी आपको इसमें क्या है कि नहीं देखो कहाँ से हवा निकल रही है हमने कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर लाया है ग्राउंड फ्लोर ऐसा लाया जिसको जिसका ये निकल गया क्या निकल गया फायर एक्सटिंग्विशर का कैप निकल गया हमने तोड़ दिया नहीं हमारा ध्यान ही नहीं बराबर कि नहीं अभी इसमें से कहाँ पे अभी ये नट बोल्ट है आपको मालूम है यहाँ से अगर ये लूज है तो हमको क्या करना चाहिए टाइट रहना चाहिए ना कि नहीं ये तो यहाँ से क्या निकलेगा प्रेशर नहीं नट बोल्ट देखो आप ये सब चेक करो सुरक्षा रक्षक का काम है सिर्फ इधर इसको छोड़ना उसको छोड़ना नहीं है हमारी जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो ठीक तरह से काम कर रहे कि नहीं रखे कि नहीं अभी इतना ठंडा है देखो CO2 अभी निकलना कहाँ से चाहिए उसका CO2 यहाँ से मगर इसका कैप टूट गया हमने अगर सही ढंग से अगर रखते थे तो ये देखा कि नहीं इसमें कितना प्रेशर रहता है और वो दिन घुमाया क्या हुआ निकला ही नहीं तो ये सब चीज़ें आपने इसको सेफ्टी रखा है क्या हमने ध्यान ही नहीं दिया चाहे वो दिन हो या रात हो ये ध्यान रखना चाहिए कि नहीं कितना प्रेशर है इसमें ये हमेशा पिन अप रहना चाहिए क्या रहना चाहिए ये अभी कहाँ से कैसे आया ऊपर नहीं तो कहाँ से आ रहा था यहाँ से आ रहा था वहाँ से आ रहा था लीक था तो ये सारे चीज़ें के ऊपर ध्यान रहना चाहिए तो जाके हम लोग इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं समझ रहे हो आप यस सर फायर एक्सटिंग्विशर है ये देखो ABC इसका प्रेशर निकल गया है तो हमको क्या करना चाहिए इसका फोटो निकाल के उसको भेजना चाहिए हमारे स्टोर वाले जो है उनको बताना चाहिए देखो सर ये इसका प्रेशर निकल गया है रेड पे डाउन हो गया है और सील भी लगा हुआ है और क्या है इसका 2025 का गारंटी वैलिडिटी है रिफिलिंग डेट है ये सारे चेक करना चाहिए हम लोग करते हैं नहीं करते ना हाँ फिर ये फायर एक्सटिंग्विशर है इसके अंदर क्या है इसको सील लगा हुआ है ये सिर्फ सेफ है क्योंकि ये प्रेस करने के बाद ही दबाने के बाद ये हार्ड है फायर एक्सटिंग्विशर तो अगर ये ठीक तरह से अगर रखेंगे तो ही वो चलेगा इस तरह से रहना चाहिए
ये जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं ठीक तरह से लगे हुए हैं कि नहीं, वो आपको देखना रहता है राउंड मार के टाइम। ये सारी चीज़ें देखना चाहिए, इसको सील लगा हुआ है कि नहीं, इसको पिन डाला हुआ है कि नहीं। तो ये पिन अगर डालते हैं तो सेफ है, नहीं तो कोई भी इस तरह से दबाएगा, इसको दबाएगा तो क्या होगा, इसको ओपन करेगा तो डायरेक्ट निकलेगा, कब निकलेगा कौन निकाला पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास ये सेफ्टी होना चाहिए। तार से बांध के, तार बांधा हुआ था कि नहीं, बांधा हुआ था, और बांधा हो तो लगाया ऐसे ही छोड़ दिया क्या, तो ये सेफ नहीं है। सुरक्षा रक्षा का अगर ट्रेंड है तो अगर ये काम कर सकता है, नहीं तो नहीं। समझ रहे सब लोग, समझ गए? हाँ। अभी सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ।